शहर के बड़े अस्पतालों में बच्चों के अगवा की वारदातें रुक ना सकी। जिन अस्पताल से नामालूम खातून बच्चा अगवा करके फरार, लवाहिकीन का एहतजाज। अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी, थाना गार्डन टाउन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सीसीटीवी कैमराज की मदद से तहकीकात शुरू। एमएस ने भी 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बना दी। शहबाज शरीफ दौर का एक और कारनामा बेनकाब। खजानों को अरबों का नुकसान, गैर कानूनी तौर पर 35 अरब 70 करोड़ रुपए कमर्शियल बैंक्स में रखे जाने का इंकशाफ। तमाम फंड्स मुख्तलिफ बैंक्स में 1200 से जायद अकाउंट्स खोलकर मुंतकिल किए गए। फंड्स कहां इस्तेमाल होते हुए, महकमा खजाना ने मामला छुपाने की कोशिशें शुरू कर दी। सानहा फुलरवान बरकी ड्रॉप सीन, 9 में से 5 अहम मुल्जिमान ने पुलिस को गिरफ्तारी दे दी। लाठिया ग्रुप के सुरगना इफ्तिखार लाठिया ने 4 साथियों समेत गिरफ्तारी दे दी। मुल्जिमान में वकार अली, कदीर हुसैन, जुल्फकार उर्फ सोनी और अशरफ उर्फ बोगा शामिल है। इस मौके पर डीएसपी मलिक दाऊद और नजर अब्बास भी मौजूद थे। दीगर 4 मुल्जिमान ताहाल फरार। मरकजी मुलजिम इफ्तिखार लाठिया ने कबलज़ गिरफ्तारी जमानत करवा ली। पुलिस ने मुलजिम को शामिल तफ्तीश कर लिया। मुलजिमों ने 7 अगस्त को 3 भाइयों समेत 5 अफराद को कत्ल किया। कत्ल की वारदात के बाद मौका से फरार हो गए थे। नए पाकिस्तान के साथ नए पंजाब की तैयारियां भी शुरू। गवर्नर रफीक रिजवाना ने 15 अगस्त को पंजाब असेंबली के इजलास की मंजूरी दे दी। इजलास में 9 मुंतखब अरकान असेंबली हल्फ उठाएंगे। इजलास की समरी निगरान सूबाई वजीर कानून ने गवर्नर को अरसाल की थी। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अगली लाइन ऑफ एक्शन तैयार कर ली। मॉरल टाउन में दोनों जमातों के अहम रहनुमाओं की मुलाकात। पंजाब में वजीर आला, स्पीकर, डेप्टी स्पीकर के नामों पर गौर। मरकज और सूबे में मुश्तरका उम्मीदवार लाने और मिलकर चलने का आज़्म। पंजाब असेंबली के इजलास में अपनी तैयारियां सामने लाएंगे राणा तनवीर हुसैन। इमरान खान मियांवाली की निशिस्त पास रखेंगे, बाकी 4 छोड़ देंगे। वजीर अला पंजाब के नाम का फैसला 1 से 2 रोज में हो जाएगा। इमरान की तकरीब हल्फबरदारी में शहबाज और बिलावल को दावत दी जाएगी। तर्जुमान पीटीआई फवाद चौधरी। मियांवाली की निशिस्त रखने पर कप्तान का नया इम्तिहान। N131 निशिस्त 1 उम्मीदवार 2। हमायूं अख्तर के बाद वलीद इकबाल भी इंतखाबी मुहिम के लिए मैदान में आ गए। वलीद इकबाल का इंतखाबी मुहिम का आगाज जश्न की तकरीब से शुरू करने का ऐलान। कहते हैं चोर और लुटेरों को एक बार फिर शिकस्त देंगे। कप्तान ने क्रिकेट में इस्लाहात पर भी निगाह डाल दी। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बड़ा फैसला। पीएसएल को नई इंतजामिया के तहत नए अंदाज में चलाया जाएगा। इंतजामिया के आला अफसरान को फौरी तब्दील किया जाएगा। बासलाहियत खिलाड़ियों को यकसा मौका दिए जाएंगे। पीएसएल किसी फर्द की नहीं, पाकिस्तान की लीग है। इमरान खान। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गैलानी से तमाम सिक्योरिटी वापस ली गई। यूसुफ रजा गैलानी को साबिक वजीर आजम की हैसियत से सिक्योरिटी दी गई थी। गैलानी फैमिली का सिक्योरिटी वापस लेने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट से रजू करने का फैसला। बिजनेस टाइकून मियां मंशा भी नैब के रिडार पर। 95 मिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात नैब ने मियां मंशा को 17 अगस्त को तलब कर लिया। नैब की 3 रुकनी टीम मियां मंशा से तहकीकात करेगी। मियां मंशा ने बर्तानिया में होटल खरीदा। एमसी बैंक, आदम जी इंश्योरेंस से मुतालिक भी तहकीकात होंगी। जराए
महकमा सेहत की नाहली का एक और मुंह बोलता सबूत, नशे के आदि अपराध के इलाज के लिए अस्पताल 6 साल बाद भी फाल ना हो सका। 100 बेड्स के अस्पताल में डॉक्टर्स और अमले की भर्ती नामुकम्मल, इंसदादी मंशियात कमेटी का रवा साल भी कोई इजलास ना हो सका। पुलिस इन्वेस्टिगेशन विंग की नाहली, मियो अस्पताल मुर्दा खाने में लावारिस लाशों की तादाद 17 हो गई, पोस्टमार्टम ना होने के बायस मुर्दा खाने में ताफुन फैलने लगा। बड़ी ईद से कबल चोरों और डाकुओं की ईदी मुहिम, शादबाग में ताला तोड़ ग्रुप जनरल स्टोर का सफाया कर गया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूल, टाउनशिप में दिन दिहाड़े जनरल स्टोर पर वारदात, लूटमार मांगा मंडी में घर में नकबजनी की वारदात, चोर 9 ताले जेवरात और नकदी लूट कर फरार, घरों में काम करने के बहाने वारदातें करने वाली 3 खवातीन भी गिरफ्तार। ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों में रश, भांत भांत के जानवर तवज्जो का मरकज, कीमतें ज्यादा होने के बाद शाहपुर कांजरा मंडी में गाहक कम। पंजाब इमरजेंसी सर्विस में जश्न आजादी के हवाले से तकरीब, रेस्क्यू कैडेट्स के दरमियान मिली नकमों के मुकाबले, डीजी रेस्क्यू ने केक भी काटा। वाघा बॉर्डर पर योम आजादी की शानदार तकरीब की तैयारियां जारी, रेंजर्स की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, योम आजादी पर हुल्लड़बाजी, वन व्हीलिंग और हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला, पुलिस का योम आजादी पर सिक्योरिटी प्लान तैयार। आजादी की तैयारियां उरूज पर, अलहमरा में जश्न आजादी के हवाले से रोशन पाकिस्तान की तकरीब, बैंड की शानदार परफॉर्मेंस ने दिल जीत लिए, बच्चों समेत शुरुका का वतन से मोहब्बत का इजहार, लेडी एचिसन अस्पताल में भी योम आजादी की मुनासिबत से तकरीब, परचम कुशाई, गवर्नमेंट कॉलेज ट्रेनिंग फॉर दी टीचिंग ऑफ डेफ में भी तकरीब, स्पेशल बच्चों ने रौनके लगा दी। जश्न आजादी, पंजाब नेशनल जूनियर स्कॉच चैंपियनशिप का फाइनल, अंडर 19 में अजीज रशीद ने टाइटल अपने नाम कर लिया, अंडर 17 के फाइनल में अजीज शौकत ने मैदान मार लिया। होनहार तलबा के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म, एक्सपो सेंटर में सुपीरियर और तलबा का आगाज, तलबा तालिबात ने 200 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए, चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन समेत दीगर ममालिक के कारोबारी शख्सियात की शिरकत हुई। दिलकश रूसी पहनावे, ज्वेलरी जहेज का सामान एक्सपो सेंटर में सज गया, वीडियोइंग शो बनाओ सिंघार के नए खूबसूरत अंदाज फैशन की दिलदादा खवातीन को लिभाने लगे।